The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो आज बात करेंगे कि बच्चे अगर अपने नाक में कोई चीज, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कभी किसी ने चौक डाल दिया, कभी कुछ और छोटी मोटी चीज डाल दी नाक में, डाल दें फॉरेन ऑब्जेक्ट डाल दें, तो क्या करेंगे आप? तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, फर्स्ट एड आप घर में क्या करें? फॉरेन बॉडी अगर तो नाक में लॉज हो गई है, दिस यानी कि वहां फंस गई है, तो उस केस में डोंट प्रोब एट द ऑब्जेक्ट विद अ कॉटन स्वैब। हम लोग क्या करते हैं, कॉटन स्वैब लेके कान वाला नाक में डालने की कोशिश करते हैं, कोई और ट्यूब लेके निकालने की कोशिश करते हैं, मत करना, डोंट डू दैट, वो नहीं करना, ठीक है, खुद से नहीं करना, गड़बड़ हो जाती है, इंजरी कर दोगे, खून बहने लगेगा, बहुत प्रॉब्लम। सेकेंड, डोंट, अगर बच्चा है तो उसको इनहेल करने की कोशिश ना करें फॉरन बॉडी को, नो 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 नो, डोंट ट्राई टू इनहेल कि वो मुंह में आ जाएगी, नहीं, सांस की नली में घुस गई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू इनहेल द फॉरन ऑब्जेक्ट बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग, इंस्टेड आपको करना क्या है, ब्रीद थ्रू योर माउथ, नाक से ब्रीद करना है जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं निकल जाता, ये ध्यान में रखें अगर नाक में कुछ फंस गया तो। और अगर आप चाहें तो आप ब्लो कर सकते हैं नाक को, इधर फंसा है तो मुंह से ना सांस अंदर लीजिए, जेंटली, जोर से नहीं, जोर से ब्लो नहीं करना, जेंटली ब्लो करके देखिए नाक को कि वो ऑब्जेक्ट जो नाक में फंसा है फ्री होता है क्या, फ्री होता है क्या। डोंट ब्लो वेरी हार्ड, डोंट ब्लो वेरी रिपीटेडली, कई बार वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो ऑब्जेक्ट ने एक नस को फाड़ दिया और खून बह रहा होता है लेकिन रुका होता है जस्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट की वजह से, और आपने उसको जोर से लगा के करा, फोंग से खून बहने लग जाता, सो समथिंग इज, ऐसा भी हो सकता है, राइट। अगर एक ही नॉस्ट्रिल अफेक्टेड है, एक ही नाक में है, देन क्या करेंगे, दूसरा नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे और फिर जेंटली ब्लो करेंगे, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर तो आपको दिख रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ कब निकालोगे, अगर आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट देखने से, अरे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अरे चिमटी लाओ, चिमटी लाओ, तो अगर आपको दिख रहा है और उसका विजिबल पार्ट है पकड़ने लायक, तब आप उसको पकड़ के जेंटली रिमूव करेंगे, खर 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 नहीं करना भैया, ओके, रिमेंबर अंदर म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, बहुत पतली है, फट जाएगी, दिमाग उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, जेंटली रिमूव करेंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा, अगर आपको लग रहा है कि उसके कोई एज नहीं है पकड़ने लायक, खुद से पंगे मत लो, गो टू अ ENT स्पेशलिस्ट, कॉल फॉर एमरजेंसी, गो टू अ एमरजेंसी रूम, वो अपने आप उसको निकाल लेंगे एंडोस्कोपी से, बहुत से टेक्निक्स हैं निकालने के, लेकिन आप जो है इससे ज़्यादा मस्ती मजाक घर पे नहीं करेंगे अपने बच्चे के साथ या अपने साथ, अगर आप आपको डालने की आदत है कोई भरोसा नहीं दुनिया का, सो इतना ही करेंगे, डोंट प्रोब एट द ऑब्जेक्ट, दिखा तो दिखा वरना नहीं दिखा, ठीक, दैट्स ऑल। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो इसको शेयर जरूर करिए।